हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे एमसीक्यूज, क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो अब हमारे पास बस टाइम है। जितना भी उतने टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, उससे हमें एक तो पता चल पाएगा कि हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, और दूसरे हम जितने ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे उतनी ही हमारी प्रिपरेशन बेटर होती चली जाएगी। तो अब इधर का लगभग 45 डेज जितना भी आपको टाइम बच रहा है, इधर हम लोग एमसीक्यू करेंगे डेली के डेली। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो शायद मैं उस दिन ना करा पाऊँ, अदरवाइज तो आपको डेली के डेली एमसीक्यूज मिल ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, एंड अगर कोई सजेशन है तो वो भी मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई डाउट रह जाता है तो वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगी उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, परंपरागत तरीके से होने वाले अपराधों की तुलना में इंटरनेट से होने वाले अपराधों का व्यापक प्रभाव पड़ता है, ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो अगर हम क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसके अगर हम ऑप्शन देखें कि साइबर क्राइम ज़्यादा इफेक्टिव क्यों होता है, तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है, क्योंकि जो परंपरागत अपराध हैं ये अपराधकर्ता और पीड़ित घटना स्थल पर दोनों मौजूद होते हैं। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि परंपरागत अपराध कम संख्या में होते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है कि परंपरागत अपराधों का पता आसानी से चल जाता है। डी में है कि नन, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर हम देखें कि जो हमारा ऑप्शन ए है, यानी कि जो क्रिमिनल एंड विक्टिम्स हैं वो परंपरागत अपराधों में प्रेजेंट रहते हैं एट द क्राइम स्पॉट, लेकिन जो अभी का जो साइबर क्राइम है वहां पे ना तो क्रिमिनल प्रेजेंट है, मतलब क्राइम स्पॉट कोई ऐसा निर्धारित नहीं होता क्योंकि इंटरनेट के थ्रू होता है, तो वहां पे जब दो लोग प्रत्यक्षता, जैसे कि किसी ने किसी की हत्या कर दिया, किसी ने किसी का अपहरण कर लिया, किसी ने किसी की पिटाई करी, तो इस तरीके के जब अपराध होते हैं तो उसमें लोगों की जो संख्या है, जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है वो कम होता है। ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को क्षति पहुंचती है, 2, 4, 10, 12, 15 ऐसे करके। बट जो साइबर क्राइम है इससे एक ही जगह से बहुत सारे लोगों को क्षति पहुंचाई जा सकती है। सपोज कोई वायरस डाल दिया गया तो अगर उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं तो उन सभी का सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम है वो खराब होगा, उन सभी को क्षति पहुंचेगी। या किसी भी तरीके की अगर कोई इंफॉर्मेशन हैक कर ली गई तो उससे जितने भी लोग रिलेटेड है उन सभी को क्षति पहुंचेगी। तो इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि वहां पे लोगों के इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाती है। वैसे तो परंपरागत अपराध कम संख्या में होते थे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि तब भी ज्यादा संख्या में होते थे और आसानी से पता चल जाता था। तो पता तो इसका भी चल जाता है, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट जो ऑप्शन ए है वो ज्यादा सही बैठ रहा है, क्यों, इफेक्टिव की बात हो रही है ना, तो इफेक्टिव इसीलिए है क्योंकि उनमें इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो रही है। जो साइबर क्राइम है उसमें ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंच रहा है बजाय कि जो पहले के क्राइम होते थे उनके मुकाबले। सेकेंड क्वेश्चन है, महिला पुरुष शक्ति संबंध की संरचना का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है, मीन्स की जो मेल फीमेल पावर रिलेशंस हैं वो किस चीज पे बेस्ड होते हैं। तो मेल फीमेल पावर रिलेशंस बेस्ड होते हैं, हमारे ऑप्शन है महिला पुरुष पद सोपान, मीन्स की जेंडर ऑर्डर, महिला पुरुष असमानता यानी कि जेंडर इनइक्वलिटी, एंड महिला पुरुष भेदभाव यानी कि जेंडर डिफरेंस, देन फिर महिला पुरुष रूढ़िबद्धता या फिर रूढ़िबद्ध धारणाएं जिसको क्या बोलते हैं, जेंडर बाइजनेस। तो अगर हम इसमें से ऑप्शंस को सही से देखें तो बात की जा रही है कि पावर रिलेशन, शक्ति संबंधों की, तो जो शक्ति संबंध होते हैं स्त्री और पुरुष के वो बेस्ड होते हैं जेंडर ऑर्डर यानी कि महिला पुरुष पद सोपान पे। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन है, जनसंख्या संसाधन और पर्यावरण से संबंधित शब्द को कहते हैं, यानी कि पॉपुलेशन इज द टर्म रिलेटेड टू रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंट, तो उसको क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्यिकी संक्रमण, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, सतत विकास यानी कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, अनियमित विकास यानी कि इरेगुलर डेवलपमेंट, इसमें से क्या कहेंगे हम इसको। तो जिसमें जनसंख्या की बात की जाती है, संसाधनों की बात की जाती है, पर्यावरण को
बनाए रखने की बात की जाती है, उसको सस्टेन करने की बात की जाती है, तो उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको बोलेंगे हम। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी नारीवाद आधारित होता है तो इसमें से जो सोशलिस्टिक फेमिनिज्म है ये किस पे बेस्ड होता है, किस चीज पे मेनली बेस्ड होता है? तो हम ऑप्शन देखेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर बोल रहा है ए कि समाज की समग्र पुनर्व्यवस्था का आह्वान, यानी कि कॉल फॉर ओवरऑल रीऑर्गेनाइजेशन, दमन की बहुव्यवस्था प्रणालियों को संबोधित करना, जैसे कि जाति, वर्ग, लिंग, मीन्स की एड्रेसिंग प्रिवलर सिस्टम्स ऑफ ऑपरेशन सच एज कास्ट, क्लास एंड जेंडर, वर्तमान संरचना एवं संरचनाओं का विध्वंस, डिमोलिशन इन प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड देयर फोर्थ ऑप्शन है वर्तमान संरचना में परिवर्तन किए बिना वर्तमान प्रथाओं में सुधार। तो जो आपका समाजवादी नारीवादी है, सोशलिस्टिक फेमिनिज्म है, ये बेसिकली जोर देता है जो दमन की बहुव्यवस्था वाली प्रणालियां हैं, जैसे कि जाति, वर्ग और लिंग, इनसे रिलेटेड जो चीजें हैं उनको वो बताने की कोशिश करता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च शिक्षा के आधुनिकीकरण का अध्ययन किया, जो हायर एजुकेशन है उसके मॉडर्नाइजेशन का अध्ययन किसने किया था? ए आर देसाई, योगेंद्र सिंह, एस एल शर्मा, आईपी देसाई। तो आप सभी को पता होगा कि इसमें से जो तीन ऑप्शन है वो तो बिल्कुल गलत ही आ रहे हैं। राइट ऑप्शन कौन सा है? सी, एस एल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंदी बस्तियों को पहचाना जा सकता है, मीन्स की जो स्लम्स हैं, स्लम्स को हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाइड कर सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, अपर्याप्त जलापूर्ति के आधार पे, यानी इनसफिशियंट वाटर सप्लाई के बेस पे, निर्धनता के आधार पे, पावर्टी जो होती है उसके बेस पे, या फिर व्हाइट कॉलर क्राइम यानी कि सफेदपोश अपराध के आधार पे, या फिर ग्रेटर नंबर ऑफ हाउसिंग यूनिट्स के बेस पे, मीन्स की जो आवासीय इकाइयां हैं उनकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है इस आधार पे। तो जो स्लम्स हैं उसको हम किस बेस पे पहचान सकते हैं? तो ये तीनों ऑप्शन इसमें से करेक्ट हैं, लेकिन इसमें से जो एक ऑप्शन है वो आपका गलत आ रहा है। कौन सा? सफेद पोश अपराध, यानी व्हाइट कॉलर क्राइम नहीं होता है, तो ये ऑप्शन इसमें से गलत जाएगा। देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक लोकतंत्र का प्रकार नहीं है, इसमें से कौन सा औद्योगिक लोकतंत्र में नहीं होता है, या कौन सा टाइप नहीं है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का? तो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी में क्या चीज नहीं होती है? तो स्वायत्त कार्य समूह, सह निर्धारण, उत्पादक सहकारी संस्थाएं, या फिर कामगारों का स्वप्रबंधन। तो इसमें से क्या क्या नहीं होता है? तो को डिटर्मिनेशन बिल्कुल होता है, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स होती हैं, सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ वर्कर्स होता है, लेकिन जो ये ऑटोनोमस वर्किंग ग्रुप्स हैं ये नहीं होता है। देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय कृषि में किसने पूंजीवादी उत्पादन के तरीके की पहचान की? Who identified the method of capitalist production in Indian agriculture? जो भारतीय कृषि थी उसमें किसने बताया कि ये पूंजीवादी उत्पादन का तरीका हो गया है अभी? तो ऑप्शन आपके टी के वोमेन, उत्सव पटनायक, आंध्र बेते, डीएन धनाग्रे। तो इसमें से जो उत्सव पटनायक थी, इन्होंने कहा था कि हरित क्रांति के पहले जो था वो उत्पादन का तरीका पूंजीवादी नहीं था, लेकिन अब जब से हरित क्रांति आई है तब से इंडिया का जो प्रोडक्टिव सिस्टम हो गया है, जो उत्पादन का तरीका हो गया है, वो पूंजीवादी हो गया है। सारी शक्तियां जो है वो पूंजीवाद, जो पूंजीपति हैं उनके हाथ में आ गई हैं, और श्रमिकों को उसी तरीके से शोषण किया जा रहा है जैसे कि औद्योगिक जो संस्थान थे उनमें किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि से अलग अलग समय पर आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं, मीन्स की वो कौन सा मेथड है जिसमें कि डिफरेंट टाइम्स में डेटा कलेक्ट किया जाता है, डेटा स्टोर किया जाता है? तो इसमें के जो ऑप्शन है, सहगण अध्ययन, प्रचलन अध्ययन, व्यापक प्रतिनिधित्व अध्ययन, या फिर देशांतरी अध्ययन। तो क्या होता है कि जो डी ऑप्शन है, देशांतरी, यानी कि लिंग लो लॉन्गिट्यूडल, लॉन्गिट्यूडल जो रिसर्च टाइप्स होता है वहां पे हम लोग एक ही टाइम पे नहीं कलेक्ट करते हैं डेटा, बल्कि अलग अलग टाइम पे कलेक्ट करते हैं, जबकि जो क्रॉस सेक्शनल है उसमें हम एक ही साथ में डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देशांतरी अध्ययन, यानी कि लॉन्गिट्यूडल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मीडिया को समाजीकरण का माध्यम माना, किसने मीडिया को एक माध्यम माना है सोशलाइजेशन का? तो आपके ऑप्शन है एंथोनी गिडिंग्स, जी सिमेल, लोए, ए एतेजिवोनी। तो ये मैंने वीडियो में बताया हुआ है पहले की, तो आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी एंथनी गिडेंस। गिडेंस ने माना है कि जो मीडिया है ये सोशलाइजेशन का एक मीडियम होता है, सोशलाइजेशन का एक माध्यम होता है। तो ये 10 क्वेश्चंस थे, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट के जो अगले 10 क्वेश्चन हैं उनके साथ। तब तक पढ़ते रहिए और अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से करते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।